हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे फीटल स्कल के बारे में कि फीटल स्कल में क्या मेन मेन पॉइंट्स होते हैं और कौन कौन सी बोन से मिलकर फीटल स्कल बनता है, साथ ही इसके पार्ट्स कहाँ हैं विद फिगर। तो आइए हम देखते हैं अपने फीटल स्कल के बारे में। सबसे पहले जो हमारा फीटल स्कल होता है वो किस शेप का होता है? तो जो फीटल स्कल होता है वो ओवॉइड शेप का होता है। ओवॉइड शेप मीन्स जैसे अंडाकार लाइक होता है। ओवॉइड शेप का हमारा हेड होता है, उसके मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला वॉल्ट, दूसरा वेस और तीसरा फेस। अब हम स्कल के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं। जैसा इजीली हम याद करने का जो तरीका है उसमें हम आपको बताते हैं। जैसे सामने की तरफ हमारा फेस है, तो मीन्स ये फेस वाला पार्ट है। और जैसे किसी चीज़ का बेस होता है जिस पे कोई चीज़ स्थिर होती है, बेस, तो यहाँ पे हमारा जो हेड होगा, हेड के जो नीचे वाला पार्ट होगा, इसको हम बेस मानेंगे। ये है हमारा बेस, ये फेस हुआ, ये बेस हुआ। और ये वाला जो एरिया होगा हेड वाला, हेड का जो ऊपरी एरिया है, इसको हम बोलेंगे वॉल्ट। ये वॉल्ट एरिया है। तो आपने देखा इजली हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सामने वाला एरिया है उसको हम फेस बोलेंगे, जिस पे हमारा पूरा नेक स्थिर है उसको हम बेस बोलेंगे, और जो ऊपर वाला हेड वाला पार्ट होगा उसको हम वॉल्ट बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा वॉल्ट है ये किन किस बोन से मिलके बना हुआ है। अब हम देखेंगे वॉल्ट के बारे में कि आखिर वॉल्ट जो होता है हमारे फीटल स्कल में वो कौन सा पार्ट होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस वाले एरिया को हम वॉल्ट के नाम से जानते हैं। इट मेड बाई मेम्ब्रेन नोन एज स्विचर एंड फ्रंटानेल। तो ये जो वॉल्ट वाला एरिया होता है ये कुछ मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, जिनको हम स्विचर बोलते हैं, और साथ ही इसमें फ्रंटानेल पाए जाते हैं। वॉल्ट में मेनली टू फ्रंटानेल पाए जाते हैं, एक एंटीरियर फ्रंटानेल होता है और एक पोस्टीरियर फ्रंटानेल होता है। फ्रंटानेल के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फीटल स्कल के बारे में कि जो ये वॉल्ट वाला एरिया है वो कितनी बोन से मिलके बना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 5 बोन से मिलके बना हुआ है हमारा वॉल्ट वाला एरिया फीटल स्कल का। एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। हम देखेंगे फ्रंटल बोन, तो ये जो सामने की साइड है इसको हम बोलेंगे फ्रंटल बोन। टू फ्रंटल बोन होती है, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। तो यहाँ पे टू फ्रंटल बोन, और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है टू पैराइटल बोन। तो जो पैराइटल बोन होती है वो यहाँ होती है, ये पैराइटल बोन वाला एरिया होता है, तो इसको हम लिखेंगे पैराइटल बोन। ये भी मेनली दो होती है, टू पैराइटल बोन होती है लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आता है ऑक्सीपिट, जो ये थोड़ा सा आप इजली ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे हेड में बैक साइड एक उभरा हुआ पार्ट होता है, थोड़ा सा प्रोमिनेंस एरिया होता है, इसी को हम ऑक्सीपिट बोलते हैं। और ये मेनली एक ही होता है जो बैक साइड होता है इधर, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ पे टू फ्रंटल बोन, टू पैराइटल बोन और वन ऑक्सीपिटल बोन। ये इतना मिलके हमारा वॉल्ट तैयार होता है। वॉल्ट में मेनली हमने आपको बताया कि कुछ स्विचर्स होते हैं, स्विचर्स के बारे में भी आपको अभी बताएंगे। स्विचर्स होते हैं और फ्रंटानेल होते हैं, जिसमें एक फ्रंटानेल यहाँ होता है एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा था बेस के बारे में कि बेस में क्या क्या आता है। अब हम देखेंगे फीटल स्कल का सेकेंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं बेस। बेस होता क्या है? द बेस ऑफ द ओपनिंग नोन एज फोरामेन मैग्नम। यहाँ पे जो हमारा फीटल स्कल है इसका जो बेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक ओपनिंग पाई जाती है यहाँ पे, जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो स्पाइनल कार्ड होता है, लिखा हुआ है थ्रू पासेस द स्पाइनल कार्ड। ये जो फोरामेन मैग्नम होता है इसी के थ्रू जो स्पाइनल कार्ड होता है वो जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो फीटल स्कल होता है इसमें कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है, किन किन बोनों से मिलके हमारा फीटल स्कल का बेस वाला पार्ट तैयार होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टू टेम्पोरल, वन इथमॉइड और वन स्फेनॉइड बोन, मेनली फोर बोन इसमें मिलके हमारा बेस तैयार होता है। और इसमें साथ ही सम पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन का भी रहता है, सम पार्ट ऑफ ऑक्सीपिट, सम पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन का भी होता है, जिसको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है क्योंकि इसका सम पार्ट ही रहता है। मेनली यहाँ पे
फोर बोन को ऐड किया गया। ये बोन कहाँ कहाँ होती है वहां वहां आपको इस फिगर के थ्रू बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पोरल बोन, कि टेम्पोरल बोन कहाँ होती है। तो जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है वो यहाँ होती है, ये वाला जो एरिया होता है ये टेम्पोरल बोन को दर्शाता है। ये पूरी हमारी टेम्पोरल बोन होती है। टेम्पोरल बोन जो होती है वो संख्या में दो होती है, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। अगर हम ऐसे देखेंगे तो जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है मेनली यहाँ पे होती है। वैसे हम कहते भी है कि हमारे यहाँ पे एक टेम्पर पॉइंट होता है, जिसमें यहाँ पे टेम्पर पॉइंट होता है, तो इस एरिया को हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। अब हम देखेंगे इथेमॉइड, जो इथेमॉइड होता है वो कहाँ होता है। इथेमॉइड मेनली हमारे जो यहाँ पे ऑर्बिटल कैविटी होती है आई में, यहाँ पे होता है इथेमॉइड बोन, यहाँ पे इथेमॉइड बोन पाई जाती है, इथेमॉइड बोन होती है। ये संख्या में एक होती है। इथेमॉइड बोन जो ऑर्बिटल कैविटी होती है हमारी आई में, इसी में होती है। और एक इथेमॉइड ही होती है जो लेफ्ट से राइट तक रहती है, ये बीच में आपस में जुड़ी होती है, इसीलिए इसको हम एक मानते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्फेनॉइड। स्फेनॉइड जो बोन होती है, जस्ट ये याद करने के लिए हम बता देंगे कि जो इथेमॉइड और टेम्पोरल होता है उसके जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। यहाँ पे स्फेनॉइड बोन पाई जाती है। ये वाला जो एरिया होता है ये स्फेनॉइड बोन को इंडिकेट करता है। ये भी संख्या में एक होती है, ये भी बैक साइड से जुड़ी होती है, इसलिए लेफ्ट और राइट मिला के एक ही स्फेनॉइड होती है। तो हमारा जो बेस वाला पार्ट है वो मेनली फोर बोन से मिलके बना हुआ है, हमने आपको बताया। यहाँ पे हमारा इथेमॉइड बोन पाई जाती है जो संख्या में एक होती है, यहाँ स्फेनॉइड बोन पाई जाती है जो संख्या में एक होती है, ये टेम्पोरल बोन जो संख्या में दो होती है, और साथ ही यहाँ पे होता है फोरामेन एग्नम एंड सम पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल। ये सम पार्ट जो है, कुछ पार्ट इसका ऑक्सीपिटल का होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा एरिया है जो बेस में आएगा, तो मेनली हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऐसे ये जो एरिया होगा ये यहाँ पे सम पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल का आ गया, ये वाला जो एरिया होगा वो बेस वाला एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया ये बेस होगा, ये वाल्ट होगा। अब हम देखेंगे फेस के बारे में, जो फेस होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है और कौन सा बोन कहाँ पे होती है। फ्रेंड्स अब हम आपको बताएंगे फेस के बारे में। जो फीटल स्कल होता है उसका जो एक पार्ट, तो हमने आपको बताया कि एक पार्ट उस जो फीटल स्कल होती है मैंने थ्री पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहले में हमने आपको बताया था कि जो पहला पार्ट होता है वो वॉल्ट कहा जाता है, जिसको हम हेड पे हेड वाला जो पार्ट होता है उसको वॉल्ट कहते हैं, इधर वाला जो पार्ट होता है उसको वॉल्ट कहते हैं, और जिस इधर फोरामेन मैग्नम होता है जहाँ पे जो हेड होता है, हेड का नीचे वाला पार्ट होता है बेस, उसको बोलते हैं, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको हम फेस बोलते हैं। तो दो पार्ट हम आपको बता चुके हैं, ये थर्ड पार्ट हम आपको बता रहे हैं फेस। फेस जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ 14 बोन्स, जो फेस होता है वो 14 बोन्स से मिलके बना होता है। अब वो 14 बोन कौन कौन से हम आपको बताते हैं। इसमें होता है टू जाइगोमैटिक बोन, जिसको हम चिक बोन भी कहते हैं, चिक बोन, साथ ही टू नजल बोन, वन टू लैक्रिमल बोन, वन बोमर, टू मैग्जिला बोन, वन मैंडिबल बोन, टू पैलेटाइन बोन एंड टू इंफीरियर नजल कोंका, टोटल 14 बोन। 14 बोन हमने आपको बताया कि ये 14 बोन कौन कौन सी होती हैं। अब हम यहाँ पे इस फिगर के थ्रू देखेंगे कि आखिर ये बोन जो होती हैं उनका एरिया कहाँ पे होता है। इस फिगर के थ्रू आप इजली ये देख के समझ जाएंगे, जान पाएंगे कि ये बोन कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जाइगोमैटिक बोन के बारे में कि जाइगोमैटिक बोन कहाँ होती है। जाइगोमैटिक बोन यहाँ होती है, इसको ही जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। देखिए वन राइट साइड है एंड वन लेफ्ट साइड है, टोटल टू बोन हमारे पास हुई, जाइगोमैटिक टू हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो टू जाइगोमैटिक बोन हमारी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे नजल बोन, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे टू नजल बोन है, ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड, ये दोनों ही नजल बोन है, इनको हम बोलेंगे नजल बोन, ये हमने इंडिकेट किया हुआ है। ये दोनों साइड जो राइट एंड लेफ्ट है इसको हम नजल बोन बोलते हैं, हमारे पास टू नजल बोन हो गई। हम देखेंगे लैक्रिमल, टू लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन जो होती है वो आई की जो ऑर्बिटल कैविटी होती है, सब ऑर्बिटल कैविटी होती है, उसमें वन बोन राइट साइड एंड वन बोन लेफ्ट साइड दोनों आई में पाई जाती है, और उसका जो एरिया होता है वो यहाँ पे होता है, आप इजिली इसको देख सकते हैं, ये टू लैक्रिमल बोन है।
टू लैक्रिमल बोन है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, टू लैक्रिमल बोन हमारी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे वूमर, जो संख्या में एक होती है। वूमर यहाँ पे पाई जाती है, नोज में होती है और सिर्फ ये सिंगल बोन होती है, ये यहाँ पे पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं वूमर। फिर देखेंगे मैगजिला। मैगजिला कहाँ पे होता है? जो अपर टीथ हमारा होता है उसके ऊपर और जो पार्ट होता है इसी को हम मैगजिला बोलते हैं। मैगजिला में यहाँ से ये बोन डिवाइड होती है, इसीलिए ये संख्या में टू होती है, वन राइट साइड एंड वन लेफ्ट साइड, तो इसको हम बोलते हैं मैगजिला। ये मैगजिला बोन होती है, वन एंड टू, लेफ्ट एंड राइट। फिर हम देखेंगे मैंडिबल। मैंडिबल वो संख्या में एक होती है, ये जो बोन होती है इसको हम मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल हमारे पूरी बॉडी में एक यही एक ऐसी बोन होती है मैंडिबल, जो मूवेबल होती है। आप इजीली करके भी देख सकते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है इसी को हम मैंडिबल बोलते हैं, जो मूवेबल होता है, बाकी और कोई भी बोन हमारी मूवेबल नहीं होती है। अब देखेंगे पैलेटाइन बोन। यहाँ पे हमने दिया हुआ टू पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन जो हमारी नजल कैविटी होती है, नजल कैविटी एंड मैगजिला के जस्ट पोस्टीरियर साइड होती है, तो हम यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ जाइए कि जो नजल कैविटी होती है, ये नजल कैविटी और ये जो मैगजिला वाला कैविटी होती है, इसके जस्ट पीछे ही पोस्टीरियर साइड में पैलेटाइन बोन स्थित होती है, इसमें टू पैलेटाइन बोन होती है। अब हम देखेंगे इन्फीरियर नजल कोंका, जो टू होती है। अब ये कहाँ पे होती है? जो इन्फीरियर नजल कोंका होती है ये टू होती है, यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो नजल कोंका है वो यहाँ पे पाई जाती है, और ये हमने बताया कि टू नजल कोंका, तो ये जो दोनों होती है ये यहाँ पे नजल कोंका पाई जाती है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नजल कोंका। हमने यहाँ पे देख लिया कि जितने भी बोन्स है, 14 बोन्स है, हमने यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख लिया फिगर के थ्रू कि कौन सी बोन कहाँ पे है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जाइगोमैटिक बोन, जो जाइगोमैटिक जिसको चिक बोन भी कहते हैं वो यहाँ पे होती है। उसके बाद हम देखते हैं नजल बोन। नजल बोन जो होती है वो यहाँ पे होती है, ये यहाँ पे टू साइड दोनों नजल बोन है। और साथ ही देखेंगे लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन जो सुप्रा ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती है, राइट एंड लेफ्ट साइड की लैक्रिमल बोन हो गई। साथ ही बूमर, बूमर यहाँ पे होती है, जो हमारी नजल कैविटी होती है उसमें पाई जाती है, ये सिंगल बोन होती है। फिर हम देखेंगे मैगजिला। मैगजिला यहाँ पे होती है चिक बोन के जस्ट नीचे, और चिक बोन के जस्ट नीचे, संख्या में टू होती है, राइट एंड लेफ्ट। साथ ही हम देखेंगे मैंडिबल। मैंडिबल जो ये हमने आपको बताया कि मूवेबल ज्वाइंट होती है और ये संख्या में एक होती है। फिर हम देखेंगे पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन जो नजल कैविटी एंड मैगजिला के जस्ट पोस्टीरियर साइड में होती है, ये टू होती है। इन्फीरियर नजल कोंका, यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो नजल बोन होती है और बूमर इसके बीच में जो ये टू बोन होती है, इसी को नजल कोंका के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 14 बोन मिलके हमारे फेस को तैयार की। जब हमने पढ़ा था वर्ल्ड के बारे में, तो वर्ल्ड जब हम पढ़ रहे थे उसमें एक वर्ड आया था कि जो वर्ल्ड होता है बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम स्विचर कहते हैं। साथ ही कुछ फ्रंटानेल भी होते हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे स्विचर और फ्रंटानेल के बारे में। अब हम देखेंगे स्विचर एंड फ्रंटानेल के बारे में, इसका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे। बाकी इसके जो डिटेल्स वीडियो है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो इसको आप देखिएगा। अभी हम आपको बता दे रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे स्विचर की कौन कौन से स्विचर जो फीटल स्कल होता है पाए जाते हैं। फीटल स्कल में मेनली 4 स्विचर पाए जाते हैं एंड 2 फ्रंटानेल पाए जाते हैं। मैंने बताया 4 स्विचर पाए जाते हैं और 2 फ्रंटानेल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्विचर के बारे में, तो मेनली 4 स्विचर होते कौन कौन से और कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्रंटल स्विचर, जो बिल्कुल सामने पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल स्विचर। फ्रंटल स्विचर जो होता है वो जो 2 फ्रंटल बोन होती है, ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इन्हीं के बीच में जो स्विचर होता है उसी को हम बोलते हैं फ्रंटल स्विचर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको बोलते हैं 2 कोरोनल स्विचर, इसको बोलते हैं कोरोनल स्विचर। कोरोनल स्विचर जो होता है वो मेनली जो ये फ्रंटल बोन होती है, ये फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो लाइनिंग पाई जाती है उसी को हम कोरोनल स्विचर बोलते हैं। कोरोनल स्विचर जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ डिवाइड होता है, और बीच का जो एक पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं
फ्रंटानेल, ये एंटीरियर फ्रंटानेल होता है और साथ ही एक और फ्रंटानेल होता है जिसको यहाँ पे दर्शाएंगे, ये पोस्टीरियर फ्रंटानेल होता है। टू मेनली जो बेबी स्कल होता है उसमें टू फ्रंटानेल पाए जाते हैं, एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर। तो यहाँ पे फ्रंटानेल आपका क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे दो स्विचर अपने कंप्लीट कर लिए, फोर स्विचर है हमारे। तो पहला ये हमारा फ्रंटल स्विचर और दूसरा कोरोनल स्विचर। अब हम देखेंगे थर्ड, थर्ड स्विचर जो यहाँ पे पाया जाता है इसको हम बोलते हैं सजाइटल स्विचर, इसको बोलते हैं सजाइटल स्विचर। अब ये जो सजाइटल स्विचर यहाँ पे आके ऐसे डिवाइड हो रहा है दो टू पार्ट में, साथ एक और लाइनिंग बन रही, इसको हम बोलते हैं लंबोडाइडल स्विचर, लंबोडाइडल स्विचर। तो आपने देखा कि यहाँ हमने फोर स्विचर अपने देख लिए, पहला फ्रंटल स्विचर, दूसरा कोरोनल स्विचर, तीसरा सजाइटल स्विचर एंड फोर लंबोडाइडल स्विचर। अब हम देखते हैं फ्रंटानेल। हमने आपको बताया कि ये जो फ्रंटल स्विचर, कोरोनल स्विचर एंड सजाइटल स्विचर, इन तीनों स्विचर का जो जंक्शन पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं फ्रंटानेल। और इस ये चूंकि आगे साइड होता है इसीलिए उसको एंटीरियर फ्रंटानेल बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर फ्रंटानेल, ये सजाइटल स्विचर। और साथ ही यहाँ पे जो लंबोडाइडल स्विचर होता है, लंबोडाइडल स्विचर एंड सजाइटल स्विचर के बीच का जो जंक्शन पॉइंट होता है यहाँ पे होता है पोस्टीरियर फ्रंटानेल, पोस्टीरियर फ्रंटानेल। तो देखा आपने कि यहाँ पे अपने दो फ्रंटानेल भी देख ली, कौन कौन से फ्रंटानेल होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब ये और साथ ही ये हमारे चार स्विचर हमने यहाँ पे देख लिया स्विचर के बारे में और फ्रंटानेल के बारे में। अब स्विचर एंड फ्रंटानेल की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।